प्रेज द लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। आज की रात्रि में एक बार फिर से हम आज की डेली डिवोशन में प्रभु के अनुग्रह से प्रभु की उपस्थिति में आ पाए हैं। हम प्रभु को धन्यवाद दें और धन्यवादित हैं परमेश्वर का कि प्रभु ने दिन भर हमें सुरक्षित रखा और ये समय दिया कि हम सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर के वचन पर मनन कर सके, परमेश्वर को हम और भी जान पाए कि हमारा पिता परमेश्वर कितना महान है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला और हमसे अत्यधिक प्रेम करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज की डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर कि आपने एक बार फिर से प्रभु जी हमें अपने अनुग्रह में बुलाया खुदावन, की प्रभु जी अपने जीवन से हम आपके नाम की गवाही दे सके, आपको धन्यवाद दे सके खुदावन, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए खुदावन, जो प्रभु जी आपने हम पर बनाई हुई है पिता। ये सिर्फ आप ही का अनुग्रह खुदावन ईश्वर राजा कि हम अब तक जिंदों की दुनिया में जिंदा है पिता, और अपने मुख से खुदावन ईश्वर राजा आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं खुदावन, और आप इसी के आदर के योग्य और स्तुति के योग्य व महिमा के योग्य खुदा। प्रार्थना विनती करती हूँ खुदावन ईश्वर राजा, जबकि आज के वचन के द्वारा खुदावन ईश्वर राजा हम आपको सुनने जा रहे हैं खुदावन, हम आपको सुनकर केवल यूं ही व्यर्थ न करें बल्कि प्रभु जी उस पर हम चलने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करती हूँ खुदावन, जितने भी भाई बहन इस समय खुदावन आपके सम्मुख आते हैं पिता, हर एक के जीवन की प्रभुता खुदावन मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। हर एक के देह प्राणाता प्रभु जी आप ही का कंट्रोल है पिता, और जो वचन के माध्यम से प्रभु जी आप हमसे बात करने जा रहे हैं, अपने कानों को खुदावन ईश्वराज, अपने आत्मिक कानों को पिता हम आपकी आवाज पर लगा सके। प्रभु जी विशेष तौर से मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, मेरे देह प्राणाता प्रभु जी आपका कंट्रोल है, विशेष तौर से खुदावन मेरे मुख पर प्रभु जी आपका कंट्रोल है पिता परमेश्वर, कि प्रभु जी मैं नहीं बल्कि प्रभु जी आप मुझ में होकर बोले पिता, और प्रभु जी वचन खुदावन ईश्वर राजा मेरे जीवन के लिए प्रभु जी आशीष का कारण ठहरे पिता, उस पर चलने के लिए खुदावन ईश्वर राजा आपकी सामर्थ को प्रभु जी मैं आपसे मांगती हूँ, आपकी आशीष प्रभु जी सब पर बनी रहे पिता, और प्रभु जी हरेक उन विचारों को, हरेक उन बंधनों को जो खुदावन ईश्वर राजा आपकी बातों को सुनने में बाधक है खुदावन ईश्वर मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उन सभी को पिता, उन सभी विरोधी विचारों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं खंडित करती हूँ पिता। प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे बीच में न पाए, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। तो आइए हम वचन में जाने से पहले अपनी प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे और आप भी मेरे साथ मिलकर प्रभु के इस प्रार्थना रूपी गीत में सम्मिलित हों। मिट्टी को कुमार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुमार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू छू
मुझछु खुदावन मुझछु छु मुझछु खुदावन मुझे छो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज के वचन पर मनन करें। और आज का वचन जो प्रभु की ओर से हमारे लिए दिया गया है वो पाया जाता है दूसरा ग्रंथियों उसका तीसरा अध्याय, दूसरा ग्रंथियों उसका तीसरा अध्याय और पहले तीन पदों को मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूं। दूसरा ग्रंथियों तीन अध्याय और उसके पहले तीन पद, यहां इस प्रकार से लिखा है, क्या हम फिर अपनी बढ़ाई करने लगे या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। प्रेज द लॉर्ड। और आज जो हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे हैं और आज का जो विषय निकल कर आया है वो है, तुम मसीह की पत्री हो, यू आर क्राइस्ट लेटर। मैं और आप कौन है? मसीह की पत्रियां। और हम मसीह की पत्रियां हम किस प्रकार से बन सकते हैं? ये पौलुस कहते हैं कि वो वाली पत्रियां नहीं जो पत्थर पर लिखी गई है। मूसा को भी वो पट्टियां दी गई थी जहां पर प्रभु की आज्ञाएं लिखी गई थी, लेकिन यहाँ आज बात हो रही है कि हम, मैं और आप मसीह की पत्री हैं। और यहाँ पे हमने दो पत्रियां, दो प्रकार की पत्री किस प्रकार की देखी। एक तो वो पत्री जो जीवते परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखी गई है और दूसरी है जो स्याही से लिखी जाती है। यानी कि दो प्रकार की पत्रियां, पत्थर की पट्टियां और हृदय की मांस रूपी पट्टियां। पत्थर की पट्टियों पर स्याही से लिखा जाता है, उसे खोद कर, जब मूसा के समय जो पत्थर की पट्टियां थी खोद कर उन पर अंकित किया जाता है। और आज भी हम उन टेबलेट्स को देखते हैं, लेकिन जो हमारे हृदय रूपी पट्टियां हैं वो टेबलेट्स ऑफ द हार्ट, वो किसके उस पर किसके द्वारा लिखी जाती है? वो प्रभु के आत्मा के द्वारा उस पर लिखा जाता है। और इसके लिए क्या जरूरी है कि हम उन पत्थर पर लिखी हुई पट्टिकाओं पर जो आज्ञाएं लिखी गई हैं उसको हम पढ़ते हैं और थोड़ी देर के बाद हम उसको भूल भी जाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम तो हो वो जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी हैं। और इसके लिए परमेश्वर का वचन आज हमसे बात कर रहा है कि हम प्रभु की व्यवस्थाओं को जानते हैं, प्रभु के वचन के बारे में जानते हैं और एक दूसरे को हम वचन के द्वारा उत्साहित भी करते हैं, लेकिन हम स्वयं उस पर नहीं चल पाते, हम उस पर स्वयं नहीं चल पाते। और अगर हम वचन को इतने समय से, इतने वर्षों से प्रभु के साथ हम जुड़े हैं, प्रभु के वचन को हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वचन हमारे जीवन से लोग नहीं देख पाते, इसका अर्थ ये है कि हम प्रभु के कलाम को इतना पढ़ते तो हैं लेकिन हमारे नेचर में, हमारे स्वभाव में, हमारी बॉडी लैंग्वेज में कोई भी अंतर नहीं पाया जाता। यदि क्रोध की बात करें, हत्या की बात करें, दूसरों के अनादर की बात करें, दूसरों के अपमान की बात करें, झूठ बोलने की बात करें, चोरी करने की बात करें, ये सारे अगर पाप हमारे जीवन में पाए जाते हैं या हम ऐसा करते हैं और उसके बाद हम प्रभु के वचन को पढ़ने के बाद भी आज हम उसी पाप में बने हुए हैं, इसका मतलब हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। कई बार यही होता है कि अरे देखो वो मसीह भाई या बहन को जो प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं या प्रभु के वचन को पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो नजर नहीं आते,
वो कैसे नजर आते हैं? वो हमारे नेचर में नजर आते हैं। हमारा नेचर यदि हम प्रभु के वचन को सिर्फ सुनकर पढ़कर सिर्फ ऐसे ही हम छोड़ देते हैं, उस पर हम नहीं चल पाते या उसको अडॉप्ट नहीं करते, उसको स्वीकार नहीं करते, उसको ग्रहण नहीं करते, तब तक वो नेचर, तब तक वो हमारे अंदर आकर हमारे स्वभाव को परिवर्तित नहीं, हम अपने स्वभाव को परिवर्तित कर पाते। और इससे हम जान जाते हैं कि हमारा नेचर क्या है, हमारे नेचर में क्या प्रभु के वचन को पढ़कर कोई बदलाव है, या हम प्रभु के वचन को सिर्फ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे नेचर ज्यों का त्यों बना हुआ है। लेकिन पौलुस यह कह रहे हैं कि तुम लेकिन मसीह की पत्री हो, और मसीह की पत्री कब बन सकते हैं? जब प्रभु का कलाम हमारे जीवन से दूसरे लोग पढ़ पाए। हम वो चलती फिरती पत्रियां हैं जिसके जीवन के द्वारा लोग हमारे अंदर प्रभु के स्वभाव को देख पाए। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम इन स्वभाव को अपने चेंज नहीं कर पाते, तो मेरे प्रियो हमें अपने पिता के पास जाने की जरूरत है। उसी के पास वो उपाय है, उसी के पास उसने जो हमें सहायक दिया है, यानी कि पवित्र आत्मा, जिसकी सहायता के द्वारा हम अपने नेचर को बदल सकते हैं, अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। कई बार कोशिश करते हैं, है ना, और ये काम, ये गलतियां मैं भी अपने जीवन में करती हूँ। हर एक का अलग अलग है कि कोई किसी प्रकार की गलती करता है, कोई किसी प्रकार के पाप पे पड़ा है। जिस प्रकार से एक छोटी सी बात कि कई बार क्या होता है कि हम बातचीत में उन बातों को कह देते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन बाद में हम उस बात को रियलाइज करते हैं, अरे मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। उस बात को हम क्या करते हैं, हम उस बात को एहसास करते हैं, और ये एहसास हम अपने आप से नहीं कर सकते। ये हमें एहसास कौन दिला रहा है? पवित्र आत्मा दिला रहा है। पवित्र आत्मा हमें बता रहा है कि नहीं, मैंने आज जो ऐसा कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था, कोई जरूरत नहीं थी इन बातों को कहने की। तो उसी समय मैं फिर से उस बात को रियलाइज करती हूँ, नहीं मुझे इस बात को नहीं कहना था और अब मैं नहीं कहूंगी। लेकिन फिर से एक अवसर फिर से आता है, मैं उन फिर से उसी बात को दोहराती हूँ, उस बात को जो मुझे नहीं करना चाहिए उस बात को मैं दोहरा लेती हूँ। तो ऐसे ही कई ऐसे स्वभाव हैं जिसे हम जानते तो हैं कि ठीक नहीं है, लेकिन फिर से रिपीट करते हैं, फिर से उसको दोहराते हैं, फिर से वो गलतियां करते हैं। तो जब हमसे वो नेचर, हम उस नेचर को, उस स्वभाव को नहीं बदल पा रहे, तो हमें किसके पास जाना है? हमें परमेश्वर के सम्मुख जाना है, पवित्र आत्मा से सहायता मांगनी है। ये पवित्र आत्मा की सहायता से, जो सहायक प्रभु ने हमें दिया है, ताकि अपने इस नेचर को हम चेंज कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। और तब जाकर हम उस नेचर को चेंज करने के लिए हम किसकी सहायता लेते हैं? पवित्र आत्मा की सहायता लेते हैं। और परमेश्वर का वचन क्या बताता है? यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 31 अध्याय के 33 पद में लिखा है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरी प्रजा ठहरेंगे, यहोवा की ये वाणी है। प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि अपने मन में, उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। हृदय रूपी पट्टियां, हृदय रूपी पट्टियां, हृदय में उन बातों को स्मरण करके रखना जो परमेश्वर का वचन हमें रोज सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर हमें उन बातों को सिखाता है, और उन बातों को सीखने के लिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि मैं उस व्यवस्था को उनके हृदय की पट्टियों पर या उनके हृदयों पर लिखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ताकि उसे हम याद रखें, उसको हम स्मरण करते रहें, और वो जो लिखी हुई बात जो परमेश्वर की है उसको हम कभी भी ना भूलें। प्रेज द लॉर्ड। और हृदय की पट्टियों पर लिखने का मतलब ये है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको स्मरण करके रखना, उनको याद करके रखना। हृदय की पट्टियों पर लिखना, हृदय गले का हार बनाने का अर्थ यह है कि जो हमारे साथ सदैव बनी रहे, उनको हम याद करें। और जिन चीजों को हम सदैव याद रखते हैं, स्मरण रखते हैं, उसके विरोध में हम कोई भी गलत काम नहीं कर पाएंगे।
परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर सदैव हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। हम वचन को पढ़ते हैं और कई बार हम कई अपने भाई बहनों से या हम स्वयं भी महसूस करें इस बात को कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो लेकिन उनको याद नहीं रख पाते और हम बोलते हैं अरे मुझसे तो वचन याद ही नहीं होता, मुझे तो वचन याद ही नहीं रखते रहता कि ये वचन कैसे पूरा इसका पद है, हमें याद ये नहीं कर सकता, याद नहीं कर सकती। या परमेश्वर ने जो हमें आज्ञाएं दी हैं, परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है, उन सिखाई हुई बातों को हम स्मरण नहीं कर पाते। सबसे बड़ा कारण ये है, हम क्यों नहीं स्मरण कर पाते, क्योंकि उसे हमने अपने हृदय की पट्टिया पर नहीं लिखा या उसे हम स्मरण नहीं कर पाते क्योंकि हमारे हृदय में हमारे मन में सांसारिक सोच विचार ज्यादा है। और दूसरी बात, हम परमेश्वर की हम मसीह की जीवित पत्रियां क्यों नहीं बन पाते, उसका कारण ये भी है मेरे प्रियो कि हमने अपने हृदय को क्या किया हुआ है, कठोर किया हुआ है। हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर सुनकर हम उसे टाल देते हैं, परमेश्वर के वचन को हम हल्के में लेने लगते हैं, हम परमेश्वर के वचन को गंभीरता से ग्रहण नहीं करते। इसलिए परमेश्वर का वचन यजकेल की पुस्तक 11 अध्याय के 19 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। पत्थर जिस कहीं कठोर मन, जिस पर किसी चीज का असर नहीं होता, और मांस का हृदय जो हर चीज को फील करता है, एहसास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पत्थर का हृदय यानी कि हमारा वो हृदय जब हम परमेश्वर के वचन को सुनकर उसे नहीं ग्रहण करते, बस उस समय तक सुनते हैं और सुनने के बाद तुरंत ही उसे हम छोड़ देते हैं, उसे हम ना तो मनन करते हैं ना उसके लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए वचन को सुनकर भी हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने आज मुझसे क्या कहा, परमेश्वर ने आज वचन के द्वारा मुझसे क्या बात की। लेकिन परमेश्वर जानता है कि हमारा मन कठोर है, हम कठोर हृदय के लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनकर टाल देते हैं। इसे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं उनके देह में से पत्थर का से हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। मांस जिसमें एहसास हो, जिसमें वो फीलिंग हो कि हाँ परमेश्वर का वचन ने आज मुझसे क्या बात की और क्यों दूंगा, जिससे मेरी परमेश्वर कहता है कि जिससे वो मेरी विधियों पर नित चला करें और मेरे नियमों को माने, तब वो मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट बताता है कि जब हम उसके वचन को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखेंगे, उसे याद रखेंगे, उसे पकड़े रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम उसके वचन को पकड़ कर रखने में असमर्थ हैं, अयोग्य हैं, तो परमेश्वर जानता है कि हमारे हृदय क्या है, कठोर हैं, जिसके ऊपर परमेश्वर के वचन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है कि मैं उनके अंदर से, उनके देह में से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा, ताकि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय रूपी पट्टिया पर लिख पाए, उसे स्मरण रखे, उसे पढ़कर सुनकर उसे पकड़े रहे, उसके साथ हम उसके पर हम मेडिटेट करते रहे, मनन करते रहे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मांस का हृदय वो इसलिए देगा ताकि परमेश्वर के जब हम वचन को पढ़ें, उसकी बातों को जब हम सुने, तो हम उस पर हम चलें। वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि वचन को बताने वाले ही नहीं बल्कि वचन पर हम चलने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। तब परमेश्वर की क्या आज्ञा है, क्या प्रतिज्ञा है कि तब वो मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तब वो हमारा परमेश्वर ठहरेगा जब हम उसके बताई हुई बातों को अपने जीवन में अप्लाई करें। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने अंदर के स्वभाव को
चेंज करना शुरू कर देते हैं मेरे प्रिय, तो परमेश्वर हमारे हमारे लिए वो इतना हमारे लिए इतना वो आनंदित हो जाता है कि वो हमारे साथ रहना वो चाहता है, और वो कहता है कि तब वो मेरी प्रजा ठहरेगा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, बता आज ये बता रहा है कि हमारा हृदय क्या है, हमारा हृदय किस प्रकार का है, कितना हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, कितना हम परमेश्वर को के वचन को थाम कर चल रहे हैं, कितना हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को हम बना रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम मनुष्य संसारिक अभिलाषाओं के कारण, संसारिक उन अट्रैक्शन के कारण, अपनी शारीरिक दुर्बलता के कारण हमारा जीवन ऐसा है कि हम प्रभु के साथ भी चलना चाहते हैं, हम संसार के साथ भी चलना चाहते हैं, हम प्रभु के साथ भी चलना चाहते हैं और संसार के साथ भी चलना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीते परमेश्वर का मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का ये वादा है मेरे प्रियो कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेंगे, उसके अनुसार अपने को योग्य बना लेंगे, तब परमेश्वर का वादा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसका अर्थ ये है कि जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर कार्य करेगा तो हमारे अंदर हमारे हमारे साथ मिलने वाले, हमारे साथ जितने भी हमारे कांटेक्ट में आने वाले हमारे भाई बहन है, वो हमारे अंदर उस स्वभाव को देखने पाएंगे। तब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आशीष हमें ये मिलने पाएंगी कि परमेश्वर कहता है कि मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए आज पौलुस वचन के द्वारा हमें आज ये सिखा रहे हैं कि हम कौन है, हम जीवित परमेश्वर की आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं बल्कि हृदय की मांस की पट्टियों पर वो लिखी, और हम मसीह के पत्रियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। और अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की पत्रियां बन जाए, हम मसीह की पत्रियां बन जाए, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को उसमें ढाल लें, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को स्वभाव में ले आए। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़े तो परमेश्वर जब वचन से हमसे बात करता है, उन बातों को अपने जीवन में उसको एक्टिवेट करें। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनना पढ़ना ही नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन पर चलना उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदावंद की प्रभु जी आपने हमें एक बार फिर से ये समय दिया कि आपके वचन पर मनन कर सके। प्रभु जी धन्यवाद देते खुदावंद ईश्वर राजा, जबकि आज आपने वचन के द्वारा हमसे बात की कि आज हमारा हृदय कैसा है, हमारा हृदय पत्थर का है या मांस का है। अगर हम आपके वचन को पढ़कर उस पर चलते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई देता है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा हृदय मांस का है। लेकिन यदि हम आपके वचन को सुनकर, आपकी बातों को सुनकर अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं ला पाते, आपके अनुसार अपने जीवन को नहीं बना पाते, और हम चाहते हैं कि हम आपके साथ भी चले और संसार के साथ भी चले, तो इसका अर्थ है कि हमारा हृदय पत्थर का है। तो जैसा आपने वचन के द्वारा कहा कि मैं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे देह के अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दे दूंगा, प्रभु जी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में होने पाए कि हमारा हृदय पत्थर का ना होकर बल्कि मांस का बन जाए, ताकि खुदावंद ईश्वर राजा आपके वचन को अपने संत रूपी पट्टिया पर लिख सके। खुदावंद प्रार्थना विनती करते खुदावंद जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी उपस्थिति में है, हर एक को प्रभु जी आप आशीष देना पिता परमेश्वर, आज के वचन के अनुसार हर एक का जीवन प्रभु जी आपके अनुसार बनने पाए पिता।
प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा कि प्रभु जी आपके वचन में हम दिन प्रतिदिन बढ़ सके पिता, ऐसा करने के लिए आप अपनी समझ बुद्धि ज्ञान अपनी आत्मा से हमें परिपूर्ण करना, पवित्र आत्मा में सहायता करना। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल वेंसडे है और कल रात्रि 7 से 8 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली जो आगरा शहर से परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगे, और रात्रि 8 से 9 बजे पास्टर विनय जोसेफ जो मुरादाबाद शहर से हैं परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे। आप इन दोनों भाइयों के लिए प्रार्थना में याद रखें ताकि परमेश्वर के कलाम को परमेश्वर की अगुवाई में होते हमारे बीच में बांट सके और हम परमेश्वर की उन आशीषों को देखने वाले बन सके, परमेश्वर के उस आशीष को हम ग्रहण करने वाले बन सके। साथ ही साथ आप हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखें ताकि हम डेली डिवोशन में एक बार फिर से एक साथ होकर परमेश्वर के वचन पर मनन कर सके। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।